आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो यूपी समेत उत्तर भारत में जल्द गिरेगा पारा, ठंड से बढ़ेगी लोगों की मुसीबत। देश के अधिकांश राज्यों में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ चुका है, वही राजस्थान पंजाब हरियाणा में लगातार शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर का यह प्रकोप अगले एक दो दिन तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, वही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड महसूस की जा रही है। वही मौसम विभाग का मानना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा, मगर ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां बर्फबारी हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर तमिलनाडु में मौसम का मिजाज एक बार फिर यहाँ पर बिगड़ता दिख रहा है। मौसम विभाग ने चेन्नई में 21 तारीख तक बारिश की चेतावनी जारी की है। वही पुडुचेरी और कराईकल में भी यहाँ पर आज कुछ इलाकों में बारिश का दौर बना रहेगा। वही जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन पर असर यहाँ पर देखना शुरू हो गया है, खासतौर पर शाम ढलते यहाँ पर सन्नाटा पसरता जा रहा है। वही जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, वहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है, ये माइनस में 3.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुंचा है। वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी ठंड जो है वो तेज पड़ रही है, न्यूनतम तापमान यहाँ भी -3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही लेह और कारगिल में भी लगातार शरीर जमा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है। लेह में न्यूनतम तापमान -10.6 डिग्री और कारगिल में भी यहाँ पर तापमान जो है माइनस में दर्ज किया जा रहा है। वही मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बिहार राजस्थान यूपी और दिल्ली में भी ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ये मौसम में इस मौसम का सबसे ठंडा यहाँ पर मौसम रहा है, यानी सबसे न्यूनतम तापमान दिल्ली में 6 डिग्री इस बार का यहाँ पर दर्ज किया गया है, तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो आखिर राजस्थान का मौसम क्या कहता है। तो बता दें आपको कि राजस्थान में फिर सताने लगी है सर्दी, का इलाकों में तापमान में हुई है जबरदस्त गिरावट। राजस्थान में लगातार तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, वही कई इलाकों में यहाँ पर जो कोहरा है वो भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, कड़ाके की ठंड ने अपना सर्दी करना शुरू कर दिया है। वही सुबह के सीकर स्थित फतेहपुर में पारा शून्य से नीचे चला गया है, यानी शून्य डिग्री तक यहाँ पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे जा रहा है, आंकड़ों के मुताबिक फतेहपुर सबसे ठंडा रहा है। चूरू में भी पारा जो 1.3 डिग्री तक आ चुका है, सीकर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज पारे में और गिरावट होने के आसार है। वही 22 दिसंबर तक अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान जो है वो औसत के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वही राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की हुई है, यहाँ पर अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री रहा, वही न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वही चूरू और सुखा जिले में न्यूनतम तापमान नीचे गया, आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई गई है राजस्थान के इन इलाकों में। वही राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की, ताकि एमपी का मौसम क्या कहता है। तो बता दें आपको कि एमपी में भी लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है, कई इलाकों में यहां पर भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वही अब यहां पर एमपी में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में एमपी में तापमान में और जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। वही अगले हफ्ते के दौरान तापमान सामान्य स्तर से नीचे यहाँ पर गिर जाएगा, क्योंकि राज्य में बादल छाने वाली मौसम प्रणाली साफ हो गई है। वह मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश में ना तो कोई अब सिस्टम है ना ही कोई नमी की आवक है। वह राज्य में उत्तरी हवाएं चल रही है, वही देश के उत्तरी भागों में बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। वही भोपाल में कल यहाँ पर जो अधिकतम तापमान जो है वो यहाँ पर 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान
14 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। हवा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत हवा की गति जो है वो यहाँ पर गति के साथ उत्तरी पूर्व में यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान नौगांव में 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। वही दिन और रात के तापमान में क्रमांकश जो है यहाँ पर 28 और 13 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहेगा, जबकि हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वही एमपी के बाद बात कर लेते हैं बिहार के मौसम अपडेट की, तो आखिर बिहार का मौसम क्या कहता है, बिहार के मौसम का क्या हाल है। तो बिहार के अंदर मौसम की बात करें तो बिहार में भी लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। 8 जिलों में न्यूनतम पारा गिरा है और पटना में भी आंशिक सुधार देखने को मिला है। दरअसल बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी का बरसात बिहार में तेज हो रहा है। हालांकि अभी गति जो है वो 8 से 10 किलोमीटर के बीच बनी हुई है। वही कल राज्य के अंदर 8 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वही दूसरी तरफ पटना गया समेत दूसरे इलाकों में तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज, आंशिक जो न्यूनतम तापमान उसमें बढ़ोतरी दर्ज यहाँ पर की गई है। वही जिले के अंदर यहाँ पर न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सबसे यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान दर्ज जो किया गया है बांका। बांका में ये तापमान 6.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके बाद गया का तापमान 6.8 डिग्री के साथ काफी ठंडा बन महसूस हुई। पटना का न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर आया लेकिन 9.5 डिग्री ने लोगों को यहाँ पर ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं आएगा। इधर हवा की रफ्तार की वजह से ही दक्षिणी बिहार की ओर से ठंड यहाँ पर दिखे और उत्तर बिहार के अंदर यहाँ पर इसकी रफ्तार जो है कम है। वह सुबह के अंदर हिमालय के तराई क्षेत्रों से सटे जिलों में कोहरा छाया, कोहरा जो है वो थोड़ा घना हुआ है। वही राज्य के कई जिलों में दृश्यता 1 किलोमीटर से कम बनी रही है। वही कल राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं यूपी और उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो आखिर यूपी का मौसम कैसा रहेगा। तो बता दें कि यूपी के मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट जो है वो अभी जारी है। वही यूपी में यहाँ पर 10 साल में सबसे गर्म यहाँ पर दिसंबर यहाँ पर हुआ है। 20 तक यहाँ पर अभी मौसम बदलने के आसार नहीं जताया गया। दरअसल यूपी में हवाओं कमजोर रूप के चलते यहाँ दिसंबर में बीते 10 वर्षों से कम वाली ठंड यहाँ पर साबित हो रही है। इस समय ना कि प्रबल पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो पा रहा है, ना ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हवा की गति बहुत धीमी है। इन सभी कारणों के कारण दिसंबर में कुछ ठंड जो है वो खास नहीं पड़ रही है जितनी हर साल होती है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।